सबसे पहले फिक्र सरहद की। भारत ने आज चीन को एक और युद्ध में पटखनी दे दी। यह युद्ध विनाशक हथियारों से नहीं बल्कि विकास के अस्त्र से लड़ा जा रहा है। दरअसल यह लड़ाई है सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इसी सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर 12 सड़कों का उद्घाटन कर दिया। ये सड़क परियोजनाएं BRO यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। आज जिन सड़कों का उद्घाटन किया गया है ये काफी सामरिक महत्व रखती है क्योंकि इससे कई देशों की सीमाएं लगती हैं, लेकिन इनमें से 10 सड़कें अरुणाचल प्रदेश में हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है, और अब यहां भारत की स्थिति मजबूत हुई है। सीमांत सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वतर्पित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है। कहते हैं कि जिस किसी मुल्क की सरहद पर सुविधाएं जितनी ज्यादा हों वो उतना ज्यादा मजबूत होता है, और देश के सीमावर्ती राज्यों में इस समय कुल 272 सड़कों पर काम जारी है जिनमें से LAC से सटे सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा रोड तैयार की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 54 रोड पर काम चल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, हम आपको एक एक चीज जरा डिटेल से दिखाने की कोशिश करेंगे। अरुणाचल प्रदेश वहां पर 54 रोड पर काम चल रहा है, और इसको देखें आप। जम्मू कश्मीर में 61 सड़कें बनाई जा रही हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें। लद्दाख में 43 सड़कों पर काम चल रहा है। अब इनमें से कुछ अहम सड़कों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक जाने के लिए 290 किलोमीटर लंबी सड़क तेजी से बनाई जा रही है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO एक और रणनीतिक रूप से अहम सामरिक सड़क बना रहा है जो लद्दाख को देवसांग के मैदान से जोड़ेगी। यह सड़क लद्दाख में सब सेक्टर नॉर्थ तक पहुंच भी आसान बनाएगी। भारत पेंगोंग झील के पास फिंगर इलाके में भी सड़क बना रहा है। यह भारतीय सेना के लिए काफी अहम है क्योंकि इस इलाके में भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही। इसके अलावा दारबुक शोक दौलत बे गोल्डी रोड को जोड़ने वाली सड़क भी तेजी से बनाई जा रही है। भारत ने जोजीला पास जैसे दुर्गम और दुरूह इलाके में भी सड़क निर्माण किया है। वहीं उमलिंगला मार्समिकला और खारदुंगला जैसे रूट भी सैन्य मूवमेंट के लिए सालों पर खोले गए हैं, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही चीन और पाकिस्तान से तनाव चरम होने के बावजूद फॉरवर्ड एरिया में सैन्य साजो सामान की सप्लाई हाड़ कपा देने वाली सर्दी और खून जमा देने वाली बर्फबारी में भी जारी है, और अब भारत इस तैयारी में भी चीन के मुकाबले काफी आगे निकलता दिख रहा है। पहले हिंद के पहलवानों ने चीन को गलवान में धूल चटाई, फिर श्वेत रणक्षेत्र में अकूत ताकत दिखाई। भारत के पर्वतवीरों ने ब्लैक टॉप से रचिनला तक चोटियों पर कब्जा कर चीन की हैकड़ी निकाल दी। LAC पर टेंशन के बीच लद्दाख के आसमान में जब सबसे बड़ा गगन योद्धा राफेल गरजा तो PLA खेमे में खलबली मच गई। सुखोई और MiG-29 विमानों की नाइट पेट्रोलिंग से बीजिंग बौखला उठा, और अपाचे चीनुक जैसे फाइटर हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से चीन की रेड आर्मी बेचैन होती रही। पिछले एक वर्ष में भारतवर्ष ने चीन को बार बार हिमालय पर हद में रहने की हिदायतें दी। नतीजा ये हुआ कि पेंगोंग के इलाके से चाइनीज सैनिकों ने बोरिया बिस्तर बांधने में ही अपनी भलाई समझी, और यह सब मुमकिन हुआ भारत की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी से। अब इन तस्वीरों को देखिए। LAC पर जब तनाव चरम पर था तो सर्दी से ठीक पहले LAC पर हिंद की इस तैयारी को देख दुनिया दंग रह गई थी। तब सुलगते सरहद पर 14 महीने का राशन जुटा लिया गया था। फॉरवर्ड लोकेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए तोपें पहुंचाई जा रही थी, और ये सब संभव हुआ था सरहद तक बनी सड़कों के कारण। और अब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का काम और तेजी से हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में कुल 14,071 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसमें चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में 54, लद्दाख में 42, उत्तराखंड में 24, सिक्किम में 21 और हिमाचल प्रदेश में 7 सड़कें बन रही हैं।
वहीं पाकिस्तान से लगते भारतीय इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके जिसमें जम्मू कश्मीर में 61, पंजाब में 6, राजस्थान में 23 सड़कें तैयार की जा रही हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में जिनकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, वहां भी सड़क निर्माण का काम जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में 3, मिजोरम में 8, मणिपुर में 9, नागालैंड में 2 और अंडमान निकोबार में भी 1 सड़क बनाने का काम जारी है। इसके अलावा लेह मनाली रूट पर 3 पास और 3 टनल बनाए जाने हैं, जिसमें बारलाचाला पास जिसकी ऊंचाई 16,040 फुट, लाचुंगला पास 16,800 फुट और थांगला ला पास जिसकी ऊंचाई 17,480 फीट। इन सड़कों में ज्यादातर ऑल वेदर रोड है, जो कि हर मौसम में सेना और आम लोगों के इस्तेमाल में लाई जाएंगी। इन सड़कों को बनाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना के भारी भरकम साजो सामान कम से कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।